गुड मॉर्निंग एवरीबॉडी। अपना लास्ट एक्सरसाइज था 1.3 में से थर्ड पार्ट, ये तो कंप्लीट हुआ। अभी है फोर्थ पार्ट, ठीक है। नाउ लेट अस सी, फोर्थ नंबर का पार्ट है, इन द फॉलोइंग एग्जांपल वी हैव टू शो dy by dx इज इक्वल टू y by x। ये जितने प्रॉब्लम्स है और है दो, उसमें लिखा नहीं मैंने, तो सभी में आपको dy by dx इज इक्वल टू y by x शो करना है। सभी प्रोसीजर एक ही है। ये जो तीन प्रॉब्लम है इसमें से एक भी आपको समझ में आ गया पूरा, तो ये सभी तीनों के तीनों सेम है। और सबसे इम्पोर्टेंट प्रॉब्लम है ये वाला, ध्यान रखो, ये फोर मार्क्स के लिए, तीनों सभी फोर मार्क्स के लिए, ठीक है। और इसमें से एक प्रॉब्लम समझ लिया कि सब सरी की है, एक एक सरी का प्रोसीजर है सबका, ठीक है। तो लेट अस सी फर्स्ट प्रॉब्लम, ठीक है। तो बिफोर वी स्टार्ट थोड़ा सा पॉइंट कंसिडर कर लो पहले। लॉग ऑफ ए इंटू बी वी कैन राइट लॉग ए प्लस लॉग बी, इस तरह लिख सकते हैं, रूल्स ऑफ लॉगरिथम। लॉग ऑफ ए टू दी पावर बी है तो ये भी सामने आ जाएगा, बी लॉग ए इस तरह। और कुछ पॉइंट देख लो, डेरिवेटिव ऑफ लॉग वाई विथ रिस्पेक्ट टू एक्स क्या बनेगा, वन अपॉन वाई डी वाई बाय डी एक्स। कल बताया था मैंने, डेरिवेटिव ऑफ लॉग ऑफ एक्स प्लस वाई किस तरह बनेगा विथ रेस्पेक्ट टू एक्स, वन अपॉन एक्स प्लस वाई, और एक्स प्लस वाई का फिर से डेरिवेटिव, एक्स प्लस वाई का फिर से डेरिवेटिव, वन अपॉन एक्स प्लस वाई इन ब्रैकेट एक्स का डेरिवेटिव वन प्लस वाई का डेरिवेटिव है डी वाई बाय डी एक्स, ठीक है। अब आ रहे हैं अपनी प्रॉब्लम की तरफ। तो देखो फर्स्ट नंबर का प्रॉब्लम, फोर मार्क्स के लिए आते हैं, लंबे थोड़ी प्रोसीजर लंबी है, थोड़ा सा ध्यान से सुनो। हर प्रॉब्लम में आपको शो करना है dy by dx is equal to y by x। Now let us see first problem। Now x to the power 7 y to the power 5 is equal to x plus y to the power 7 plus 5 12। ये टाइप है, 7 plus 5 12। यहाँ पे पावर बनेगा आपका x plus y to the power m plus n। इसमें बनेगा x प्लस वाई टू दी पावर p प्लस 4, एक्स क्यूब वाई स्क्वायर एक्स प्लस वाई टू दी पावर 3 प्लस 2 5। इस तरह बनेगा प्रॉब्लम, x टू दी पावर 9 y टू दी पावर 2 x प्लस वाई टू दी पावर 11। इस तरह प्रॉब्लम बनेगा सब, ठीक है। और सभी में आपको dy by dx शो करना है y by x। अब इसकी प्रोसीजर देखो, हाँ, सो टेकिंग लॉग ऑन बोथ साइड, सबसे पहले लॉग अप्लाई करना है, टेकिंग लॉग ऑन बोथ साइड, लॉग ऑफ एक्स टू दी पावर 7 वाई टू दी पावर 5 इज इक्वल टू लॉग ऑफ एक्स प्लस वाई टू दी पावर 12, टेकिंग लॉग ऑन बोथ साइड। अब रूल अभी बताया दो मिनट पहले, ये पावर सामने आ जाएगा, दैट इज 7 लॉग एक्स प्लस प्रोडक्ट है ना, 5 सामने आ गया, 5 log y is equal to 12 log of x plus y। इस तरह सिंपलीफाई हो गई। नाउ डिफरेंशिएट विथ रिस्पेक्ट टू x, 7 कांस्टेंट है, डेरिवेटिव ऑफ log x विथ रिस्पेक्ट टू x, 5 कांस्टेंट है, डेरिवेटिव ऑफ log y विथ रिस्पेक्ट टू x, 12 कांस्टेंट एंड डेरिवेटिव ऑफ लॉग ऑफ एक्स प्लस वाई विथ रेस्पेक्ट टू एक्स। लॉग एक्स का डेरिवेटिव विथ रेस्पेक्ट टू एक्स वन अपॉन एक्स प्लस फाइव, लॉग वाई का डेरिवेटिव विथ रेस्पेक्ट टू एक्स वन अपॉन वाई डी वाई बाय डी एक्स। अभी बताया था 12 लॉग ऑफ एक्स प्लस वाई का डेरिवेटिव वन अपॉन एक्स प्लस वाई, और फिर से x प्लस वाई का डेरिवेटिव फिर से लेना है इसका, ठीक है। ये बन गया आपका 7 अपॉन x, ये हो गया 5 अपॉन y इंटू डी वाई बाय डी एक्स विच इज इक्वल टू 12 अपॉन x प्लस वाई, और डेरिवेटिव बोलो x का डेरिवेटिव 1 हो गया और y का डी वाई बाय डी एक्स, इस तरह, ठीक है। अब इसको ये मल्टीप्लाई कर दो पूरे ब्रैकेट को,
इम्प्लिसिट फंक्शन है ना, तो इसको मल्टीप्लाई करना है और डी वाई बाई डी एक्स लेफ्ट साइड में लेना है, बाकी टर्म राइट साइड में लेना है, ठीक है। सेवन अपॉन एक्स फाइव अपॉन वाई डी वाई बाई डी एक्स मल्टीप्लाई कर दो, ट्वेल्व अपॉन एक्स प्लस वाई इंटू वन, ये आ गया ट्वेल्व अपॉन एक्स प्लस वाई इंटू डी वाई बाई डी एक्स। अब ये जो टर्म है इसको इधर ट्रांसफर कर दिया तो माइनस होगी, तो टेक आउट डी वाई बाई डी एक्स कॉमन, डायरेक्ट स्टेप लिखना, डी वाई बाई डी एक्स कॉमन इधर ये ट्रांसफर कर दिया इधर, ऐसे समझ लो। अब ये बचेगा फाइव अपॉन वाई माइनस, क्योंकि ये टर्म इधर लाया तो माइनस हो गया, माइनस हो गया तो उसमें से डी वाई बाई डी एक्स कॉमन निकाला, तो ये बचेगा ट्वेल्व अपॉन एक्स प्लस वाई, ब्रैकेट कंप्लीट, इधर क्या बचेगा ट्वेल्व अपॉन एक्स प्लस वाई माइनस सेवन अपॉन एक्स, बस क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो, डी वाई बाई डी एक्स वाई इन ब्रैकेट एक्स प्लस वाई क्रॉस मल्टीप्लाई फाइव एक्स प्लस फाइव वाई, फाइव एक्स प्लस फाइव वाई माइनस ट्वेल्व वाई, इधर बनेगा एक्स एक्स प्लस वाई ट्वेल्व एक्स माइनस, माइनस करते समय साइन चेंज करना, सेवन एक्स माइनस सेवन वाई। अब क्या बच रहा है, सो डी वाई बाई डी एक्स इन ब्रैकेट वाई एक्स प्लस वाई फाइव एक्स फाइव वाई माइनस ट्वेल्व वाई दैट इज सेवन वाई, इधर ट्वेल्व एक्स माइनस सेवन एक्स दैट इज फाइव एक्स माइनस सेवन वाई अपॉन एक्स एक्स प्लस वाई, ठीक है। अब इसको रेसिप्रोकल करके यहां अगर लिखोगे तो ये ऊपर जाएगी टर्म, ये नीचे आएगी, ये ऊपर गई तो एक्स प्लस वाई कैंसिल हो गया, इसके साथ ये कैंसिल हो गया, ये वाई ऊपर आ गया तो वाई बाई एक्स बचेगा, ठीक है। तो डायरेक्टली समझ लो ये कट हो गया, ये भी कट हो गया, ये वाई इधर जाएगा, सो वी गेट डी वाई बाई डी एक्स इज इक्वल टू वाई अपॉन एक्स, इस तरह करना है, ठीक है। अभी इम्पोर्टेंट प्रॉब्लम बता रहा हूँ, सेम उसी से एक ही टाइप का, नेक्स्ट प्रॉब्लम है x टू दी पावर m y टू दी पावर n x प्लस y टू दी पावर m प्लस n, ठीक है। ये IMP प्रॉब्लम है, 4 मार्क्स के लिए आता है, ध्यान रखो। कभी कभी ऐसा आता x टू दी पावर p y टू दी पावर q x प्लस y टू दी पावर p प्लस q, ये किया है। सो टेकिंग लॉग ऑन बोथ साइड, लॉग अप्लाई करो, लॉग ऑफ एक्स टू दी पावर एम वाई टू दी पावर एन इज इक्वल टू लॉग ऑफ एक्स प्लस वाई टू दी पावर एम प्लस एन, सिंप्लीफाई करो, ये पावर सामने आ गया एम लॉग ऑफ एक्स प्लस एन लॉग ऑफ वाई इज इक्वल टू एम प्लस एन, ये पावर सामने आ जाएगा लॉग ऑफ एक्स प्लस वाई। नाउ डिफरेंशिएट विथ रेस्पेक्ट टू एक्स, एम कांस्टेंट है, डेरिवेटिव ऑफ लॉग एक्स विथ रेस्पेक्ट टू एक्स, एन कांस्टेंट है, डेरिवेटिव ऑफ लॉग वाई विथ रेस्पेक्ट टू एक्स, एम प्लस एन कांस्टेंट है, डेरिवेटिव ऑफ log of x plus y with respect to x, derivative of log x 1 upon x, ये हो गया complete, log y का derivative 1 upon y into dy by dx, ये भी हो गया,
एम प्लस एन, डेरिवेटिव ऑफ लॉग ऑफ एक्स प्लस वाई वन अपॉन एक्स प्लस वाई, और फिर से एक्स प्लस वाई का डेरिवेटिव, एक्स प्लस वाई का फिर से डेरिवेटिव, दैट इज एम अपॉन एक्स एन अपॉन वाई डी वाई बाई डी एक्स विच इज इक्वल टू एम प्लस एन अपॉन एक्स प्लस वाई इन ब्रैकेट, इधर लिया एक्स का डेरिवेटिव वन और y का डेरिवेटिव है dy by dx. अब इसे मल्टीप्लाई कर दो, फिर dy by dx ट्रांसफर कर दो, टेक आउट dy by dx कॉमन. सो m अपॉन x n अपॉन y इनटू dy by dx व्हिच इज इक्वल टू m प्लस n अपॉन x प्लस y इनटू 1 प्लस m प्लस n अपॉन एक्स प्लस वाई इंटू डी वाई बाई डी एक्स, इसको इधर लाया माइनस होगा, टेक आउट डी वाई बाई डी एक्स कॉमन इन ब्रैकेट, ये बचेगा एन अपॉन वाई माइनस होगा, या माइनस एम प्लस एन अपॉन एक्स प्लस वाई, इधर बचेगा एम प्लस एन अपॉन एक्स प्लस वाई माइनस m अपॉन x, क्रॉस मल्टीप्लाई करो, सो dy by dx ये प्रोडक्ट बनेगा x प्लस y, क्रॉस मल्टीप्लाई करो nx ny माइनस my माइनस ny, साइन चेंज होगा माइनस कर रही है, इधर x x प्लस y mx nx माइनस एम एक्स माइनस एम वाई, इस तरह, ठीक है. अब क्या बचेगा डी वाई बाई डी एक्स इन ब्रैकेट वाई एक्स प्लस वाई, देखो प्लस एन वाई माइनस एन वाई कैंसिल हो गया, माइनस एम एक्स प्लस एम एक्स कैंसिल हो गया, इसमें क्या बचा है एन एक्स माइनस एम वाई, इधर एन एक्स माइनस एम वाई अपॉन एक्स एक्स प्लस वाई. अब डी वाई बाई डी एक्स निकालना है तो इसका रेसिप्रोकल करके यहां लिखना है इनटू, मतलब ये वाली टर्म ऊपर जाएगी, ये वाली टर्म नीचे आएगी, तो ये कैंसिल होगी, ये भी कैंसिल होगी, वाई ऊपर जाएगा, सो वी गेट डी वाई बाई डी एक्स इज इक्वल टू वाई अपॉन एक्स. In this way we get dy by dx. अब next type वाले problem देखो, सभी एक सरी के problem हैं. Show that dy by dx will do y by x. एक सरी के ये सब, एक problem समझ में आ गया ना, सभी सबकी procedure एक ही है. एक अच्छे से समझ लो पहले, ठीक है? Let us see this example. देखो क्या करना है. इसको इधर लिखेंगे. सेक x टू द पावर 5 y टू द पावर 5 x टू द पावर 5 माइनस y टू द पावर 5 इज इक्वल टू a स्क्वायर. उसका जो टेक्निक है देख लो किस तरह सॉल्व करना है. इसको इधर लिखेंगे x टू द पावर 5 y टू द पावर 5 अपॉन x टू द पावर 5 माइनस y टू द पावर 5 इज इक्वल टू सेक इनवर्स ऑफ a स्क्वायर. नाउ व्हिच इज अ कांस्टेंट, let us consider a, x to the power 5 y to the power 5 upon x to the power 5 minus y to the power 5 is equal to a. Now where a is equal to sec inverse of a square, a constant, a constant है. हर problem में ऐसे ही लिखना है. इसको लिखेंगे tan of a square which is a constant, consider a. इसको लिखेंगे cos of tan inverse a which is a constant, consider a. फिर cross multiply, देख लो cross multiply करो a x to the power 5 minus a y to the power 5 is equal to x to the power 5 plus y to the power 5. y की टर्म लाओ इधर, ठीक है, दोनों टर्म इधर, या इधर लिखो, ये लिखो पहले, ऐसा लिखो टोटल इजी जाएगा. प्लस वाई एक्स टू दी पावर फाइव
y to the power 5 is equal to a into x to the power 5 minus a into y to the power 5. y के टर्म लगा एक तरफ, y to the power 5 plus a y to the power 5 a x to the power 5 minus x to the power 5. Take out y to the power 5 common in bracket 1 plus a. इसमें x to the power 5 common निकालो, bracket में रहेगा a minus 1. So y to the power 5 upon x to the power 5 is equal to a minus 1 upon 1 plus a. Therefore y upon x, अब हर प्रॉब्लम में इस स्टेप मिलेगी आपको, y upon x is equal to इसका फिफ्थ रूट, that is a minus 1 upon 1 plus a, क्यों a plus 1 to the power 1 by 5, which is a constant. Let us consider b. So y upon x is equal to b, where b is equal to fifth root है ये, a minus 1 a plus 1 is a constant, ये constant है, ठीक है. अब इसके आगे हर problem में ये step आएगी आपकी, ठीक है. अब इसका derivative कैसे निकालना है, ये तो quotient है, u upon v का type है ना, तो u upon v का type है, तो derivative y quotient rule, quotient rule से derivative निकालना है. इस तरह देखो, एक बार क्वेश्चन रूल बता देता, अगर u अपॉन v इस तरह है फंक्शन y, u अपॉन v के टाइप में, तो dy by dx बनेगा आपका, dy by dx v डेरिवेटिव ऑफ u विथ रिस्पेक्ट टू x माइनस u डेरिवेटिव ऑफ v विथ रिस्पेक्ट टू x अपॉन v स्क्वायर. तो क्वेश्चन रूल से इसका डेरिवेटिव निकालना है, हर प्रॉब्लम में ऐसे ही आएगा. तो आपका है भी, हाँ बोलो, डिफरेंशिएट विथ रिस्पेक्ट टू x, क्वेश्चन रूल लगाओ, x डेरिवेटिव ऑफ y डिवाइड बाय dx माइनस y डेरिवेटिव ऑफ x 1 अपॉन v स्क्वायर, मतलब x स्क्वायर इज इक्वल टू कांस्टेंट है ये, कांस्टेंट का डेरिवेटिव 0 हो गया, इधर मल्टीप्लाई हो गया, अब बचेगा x इनटू dy बाय dx माइनस y इज इक्वल टू 0, मल्टीप्लाई हो गया, तो y को इधर लिख दो, सो x इनटू dy बाय dx इज इक्वल टू y, सो वी गेट dy बाय dx इज इक्वल टू y अपॉन x, ठीक है. आपको थोड़ा लंबा दिख रहा है, अभी देख दूसरा प्रॉब्लम देखो, सेम ऐसी प्रोसीजर है, कोई चेंजेस नहीं है, फटाफट ऐसे ही आ जाएगी आपको. दूसरा देख लो एक बार, अभी लंबा दिख रहा है आपको ये, ठीक है, सही सेम है. देखो नेक्स्ट प्रॉब्लम देखो, एक सरी का प्रोसीजर, अब इसको कैसे लिखोगे, ये इधर लिखा तो tan of a square डायरेक्ट लिख रहा हूं, हां 3x square minus 4y square upon 3x square plus 4y square is equal to tan of a square which is a constant, tan of a square which is a constant. Let us consider a 3x square minus 4y square upon 3x square plus 4y square is equal to a, where a is equal to tan of a square, a constant, a constant है. फिर से multiplication कर दो अभी, हाँ 3ax square plus 4ay square इस तरह is equal to 3x square माइनस 4y स्क्वायर, लाओ इधर टर्म, y की टर्म रहे तो इसी 4ay स्क्वायर प्लस 4y स्क्वायर इज इक्वल टू 3x स्क्वायर माइनस 3ax स्क्वायर. टेक आउट y स्क्वायर कॉमन, ब्रैकेट में बचेगा 4a प्लस 4, इसमें x स्क्वायर कॉमन 3 माइनस 3a, सो y स्क्वायर अपॉन x स्क्वायर इज इक्वल टू 3 माइनस 3a अपॉन
4a+4 बराबर है। सो y/x इसका स्क्वायर रूट हो गया, मतलब पावर 1/2 हो गया, स्क्वायर रूट ऑफ 3 - 3a, 4a+4 विच इज अ कांस्टेंट। लेट अस कंसीडर b, कंसीडर b 3 - 3a/4a+4। सो y/x इज इक्वल टू b, फिर से आ गया ये स्टेप आ जाएंगे हर इसमें। नाउ डिफरेंशिएट विथ रेस्पेक्ट टू x, बोलो क्वेश्चन रूल लगाओ, x डेरिवेटिव ऑफ y माइनस y डेरिवेटिव ऑफ x अपॉन v स्क्वायर मतलब x स्क्वायर इज इक्वल टू 0। इधर हो गया मल्टीप्लाई हो गया, क्या बचेगा x इंटू dy/dx माइनस y इज इक्वल टू 0, मल्टीप्लाई हो गया 0 हो गया। सो x इंटू dy/dx इज इक्वल टू y प्लस y, सो वी गेट dy/dx इज इक्वल टू y/x आ गया। ये भी हो गया सेम ऐसे ही, अभी ऐसे ही करोगे cos इनवर्स है तो cos ऑफ tan इनवर्स है, लेट अस कंसीडर a, क्रॉस मल्टीप्लाई करना, फिर और कांस्टेंट मिलेगा उसको b कंसीडर करना है, बाय बाय x के फॉर्म में लिखना है, फिर बाद में क्वेश्चन रूल लगा देना हर इसमें ऐसे ही है। एक सॉल्व करना ये बता देता हूं, देखो किस तरह है, कोई चेंजेस नहीं है, एक सही का प्रोसीजर है, करके देखो आराम से आप। नेक्स्ट प्रॉब्लम है log of x^20 -y^20 (x^20 + y^20) विच इज इक्वल टू 20। आपको रूल पता है, जैसे कि log ऑफ x इज इक्वल टू y है, log ऑफ x इज इक्वल टू y, तो उसको एक्सपोनेंशियल फॉर्म में कैसे लिखोगे, सो x इज इक्वल टू दिस x इज इक्वल टू e^y, एक्सपोनेंशियल फॉर्म बनता है इसका, तो दिस वी राइट x^20 - y^20 / x^20 + y^20 विच इज इक्वल टू e^20। अगेन दिस इज अ कांस्टेंट, लेट अस कंसीडर a, x^20 - y^20 / x^20 + y^20 विच इज इक्वल टू a, वेर a इज इक्वल टू e^20 इज अ कांस्टेंट। फिर वही प्रोसीजर, क्रॉस मल्टीप्लाई करते a इंटू x^20, a इंटू y^20, x^20 - y^20, लाओ इधर a y^20 + y^20, x^20 - a x^20, इसको इधर लिया, इसको इधर लिया, y^20 कॉमन निकाला, क्या बचेगा a+1, x^20 कॉमन निकाला 1 - a, सो y^20 / x^20 विच इज इक्वल टू 1 - a/1 + a, सो y/x इज इक्वल टू 1 - a/1 + a/1/20, इस तरह होता 20th रूट बन गया हो। लेट अस कंसीडर b, सो y/x इज इक्वल टू b, दिस इज अ कांस्टेंट, अगेन डिफरेंशिएट विथ रिस्पेक्ट टू x बाय क्वोशेंट रूल, ये आ गया, फिर से dy/dx इज y/x, इसी तरह इसको थोड़ा मैसेज, ये तो इजी है, बहुत सिंपल है, साइन इनवर्स a क्यूब कांस्टेंट हो गया, फिर क्रॉस मल्टीप्लाई आराम से आ जाता है। ये कैसे लिखोगे एक स्टेप बता देता हूं, बाकी तुम सॉल्व कर लेना, पूरा एक्सरसाइज हो जाता भी, वो एक्सपोनेंशियल फॉर्म है उसको लॉगरिथमिक फॉर्म में लिख लो, हो गया लॉगरिथमिक फॉर्म में लिख दिया तो आ जाता, क्या है e^2 मतलब दिख नहीं रहा, वो x^7 है, x² है, पता नहीं है, सेम आंसर मिलेगा, देखो x^7 - y^7, शायद 7 पावर ही है, x^7 + y^7 विच इज इक्वल टू a है, ठीक है, एक्सपोनेंशियल फॉर्म में है,
ठीक है, आपको पता है e टू दी पावर x इज इक्वल टू ये है, सो x इज इक्वल टू लॉगरिथमिक फॉर्म बनेगा इसका, x इज इक्वल टू लॉग a, x इज इक्वल टू लॉग a, तो दिस वी राइट x इज इक्वल टू x टू दी पावर 7 y टू दी पावर 7 अपॉन x टू दी पावर 7 y टू दी पावर 7 इज इक्वल टू लॉग a, नाउ इट इज अ कांस्टेंट, कंसीडर a, x टू दी पावर 7 y टू दी पावर 7 x टू दी पावर 7 प्लस y टू दी पावर 7 इज इक्वल टू a, वेयर a इज इक्वल टू लॉग a, कांस्टेंट है, फिर क्रॉस मल्टीप्लाई a x टू दी पावर 7 प्लस a y टू दी पावर 7 x टू दी पावर 7 x y टू दी पावर 7, इधर लाओ y की टर्म, a y टू दी पावर 7 प्लस y टू दी पावर 7 x टू दी पावर 7 माइनस a x टू दी पावर 7, एक सरीके ऐसा टेक आउट y टू दी पावर 7 कॉमन इन ब्रैकेट a प्लस 1 x टू दी पावर 7 कॉमन 1 माइनस a, इस तरह सो y टू दी पावर 7 अपॉन x टू दी पावर 7 इज इक्वल टू 1 माइनस a अपॉन a प्लस 1, सो y अपॉन x इज इक्वल टू 7th रूट है इसका 1 माइनस a अपॉन 1 प्लस a टू दी पावर 1 बाय 7, नाउ दिस इज अ कांस्टेंट कंसीडर एज b, सो y अपॉन x इज इक्वल टू b, डिफरेंशिएट विथ रिस्पेक्ट टू x, कोशेंट रूल लगा, ये आ गया कोशेंट रूल, ये लगा देता है यहाँ पे v मतलब x, डेरिवेटिव ऑफ y माइनस y डेरिवेटिव ऑफ x दैट इज 1 अपॉन v स्क्वायर मतलब x स्क्वायर इज इक्वल टू 0, ये इधर इनटू हो गया तो 0 हो गया, ये स्टेप आ गए, इसको इधर लिख दो, सो वी गेट dy / dx इज इक्वल टू y / एक सरीका है, सभी सेम प्रॉब्लम, इसके पहले जो टाइप बताया ना वो ज्यादा इंपॉर्टेंट है, कौन सा याद है क्या, x टू द पावर m y टू द पावर n x प्लस y टू द पावर m प्लस n, ये प्रॉब्लम भी करके रखो अच्छी तरह से, ये आईपी प्रॉब्लम, ठीक है, तो नेक्स्ट ग्रेड में बाकी का देखेंगे, नाउ वी स्टॉप हियर, थैंक यू।